हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय श्रीपला, वेलकम यू ऑल इन टुडेस लेक्चर। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर बोटनिकल गार्डन। हमने पिछले टॉपिक के अंदर हर्बेरियम के बारे में पढ़ा था, लेक्चर के अंदर हर्बेरियम के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम बात कर रहे हैं बोटनिकल गार्डन की, और इसके साथ साथ और भी टैक्सोनॉमिकल एड्स देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोटनिकल गार्डन। दिस आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। देखिए, ये गार्डन नॉर्मल गार्डन से बिल्कुल अलग होता है। जो नॉर्मल गार्डन्स होते हैं वो एस्थेटिक पर्पस से, ऑर्नामेंटल पर्पस से बनाए जाते हैं, एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे हम लोग विजिट करें, जिससे हम टूर के लिए भी कुछ गार्डन्स में जाते हैं जो बहुत फेमस गार्डन्स रहते हैं, और हमारे एस्थेटिक के लिए हम फॉर्म करते हैं। मज़ा आता है हमें गार्डन के अंदर योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, या फिर एक्सरसाइज करने के लिए अगर जाना हो तो मज़ेदार रहता है ये प्लेस। सराउंडिंग में बहुत सारी ग्रीनरीज होती हैं, बहुत सारे फ्लावर्स फॉर्म करके रखे हुए होते हैं, तो एक कह सकते हैं कि आँखों को ग्रीनरी देखने का एक मज़ा जो होता है वो मिल जाता है। पर यह वैसे गार्डन्स नहीं है। नॉर्मल गार्डन्स में हम जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस गार्डन को ट्राई करते हैं, और इसके लिए हम मोस्टली अट्रैक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट्स यूज़ करते हैं। बोटनिकल गार्डन को ब्यूटी के लेके और एस्थेटिक को लेके कोई कंसर्न नहीं होता। वो मोस्टली कंसर्न करते हैं लिविंग प्लांट्स के ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शंस के ऊपर। ये स्पेशलाइज्ड गार्डन इसलिए है क्योंकि इसका मेन टारगेट एस्थेटिक ही नहीं, पर इसी के साथ साथ मल्टीपल जो है वेराइटी, डाइवर्सिटी है, वैसे प्लांट्स को लाना है। ये गार्डन ट्राई करता है कि वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर मैक्सिमम जितने भी प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं उतने प्लांट्स वहाँ ग्रो करवाए जाए। इससे एक फ़ायदा होगा, उससे रेफरेंस मिलेगा किनको, बोटनिकल रिसर्चेस करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, टैक्सोनॉमी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये वैसे प्लांट्स यहाँ देख पाएंगे जो प्लांट्स शायद उनको कहीं और देखने को मिलते। तो आपको बोटनिकल गार्डन के अंदर लाइव प्लांट्स मिल जाएंगे, तो उसका एक फ़ायदा रहता है। एक तो आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहा हूँ आप समझ लेते हैं, जब आपको लाइव प्लांट दिखेगा तब उसके लीव्स कैसे दिखते हैं, स्टेम कैसा होता है, फ्लावर कैसा होता है, कब आता है फ्लावर, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनका ग्रोथ पीरियड कैसा होता है, सीड ज़मीन में डालने के बाद कितने पीरियड में ये ग्रो हो जाते हैं, फ्रूट्स प्रोडक्शन कैसे करते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स है जो आप वो समझ पाएंगे। आप इसके लीव्स को लेकर उसका क्रॉस सेक्शन भी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में भी उसका आप स्टडी कर सकते हैं, तो बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है। वहाँ से आप हर्बेरियम शीट बनाने के लिए भी आप स्पेसिमेंट ले सकते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी बन जाता है, इसीलिए बनाए जाते हैं। ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ इट्स बोटनिकल नेम एंड फैमिली। नॉर्मल गार्डन्स में किसी भी प्लांट को नाम नहीं दिया गया होता, जबकि यहाँ पर हर एक जो प्लांट है उस प्लांट के पास एक ऐसा बोर्ड होगा, एक लेबल होगा, जहाँ पर उसका लोकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम जिसको हम बोटनिकल नेम भी कहते हैं, उसकी फैमिली, और कई बार ये प्लांट मोस्टली कहाँ पाया जाता है, इसकी एज क्या है, कब इसको कलेक्ट किया गया था, किस समय में इसको यहाँ लाया गया था, ये सब डिटेल होती है। यहाँ पर कुछ बहुत फेमस बोटनिकल गार्डन्स के नाम दिखाए हैं। रॉयल बोटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल इंडिया, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। आप यहाँ में कोई भी जगह यहाँ दी गई है वहाँ जा रहे हैं तो इन बोटनिकल गार्डन को ज़रूर से विज़िट करिए, ये स्पेशलिटी है इन जगहों की और बहुत फेमस भी। आपको वहाँ पर रेयर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। भले ही आपका इंटरेस्ट बोटनी या फिर टैक्सोनॉमी के रिलेटेड ना हो, पर यहाँ पर वैसे प्लांट्स आप देख पाएंगे जो शायद रेयर है, जो शायद आपने कभी पहले नहीं देखे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार भी हैं। आप उनके साथ सेल्फी खींच सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो ले सकते हैं, और लोगों को बता सकते हैं कि मैंने ऐसे रेयर प्लांट के साथ फ़ोटो खिंचवाई है जो शायद ही किसी ने देखे हो। तो ज़रूर विज़िट करिए। आप ये भी सर्च करिए कि हमारे यहाँ पर नज़दीक में कहाँ कौन सा बोटनिकल गार्डन है जिसको हम विज़िट कर सकते हैं।
बायोलॉजिकल म्यूजियम। ये है एक नया टैक्सोनॉमिकल एड्स। म्यूजियम के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। पहली चीज़ देखिए, म्यूजियम के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो लाइव नहीं होती, वो डेड फॉर्म में होती है। तो यहाँ क्या कलेक्ट किया जाएगा म्यूजियम के अंदर, प्लांट्स कलेक्ट किए जाएंगे, एनिमल्स कनेक्ट किए जाएंगे, पर ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स कलेक्ट किए हुए होते हैं और उसको भरा हुआ होता है हमने एक जार्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर, ये बिल्कुल लाइव नहीं होते। म्यूजियम के अंदर क्या कंटेन किया जाता है, स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस इन कंटेनर्स और जार। कंटेनर होता है, छोटे छोटे जार्स होते हैं जिसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भरते हैं और उस सॉल्यूशन का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन भी कहते हैं। इससे जो भी चीज़ आप उसमें डाल रहे हो वो सड़ेगी नहीं, वो डिकम्पोज नहीं होगी और लॉन्ग टाइम के लिए वो वहाँ बनी रहेगी। उसके अंदर फिर हम ऑक्टोपस लाते, जैसे एक ऑक्टोपस आपको मरा हुआ मिला, वो आपने कलेक्ट कर लिया, वो आपने एक जार के अंदर फॉर्मल्डिहाइड भर के फिर उसके अंदर डाल के फिर उसको एकदम एयर टाइट बंद कर दिया। आपने एल्गी कहीं से कलेक्ट की, आपने कहीं से प्लांट्स कलेक्ट किए, इन सबको ऐसे छोटे छोटे डिब्बों में भरा जाएगा, जार्स या कंटेनर में भरा जाएगा, वैसे फॉर्म में ये म्यूजियम में आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी वहाँ हो सकते हैं। एनिमल को ड्राई करने के बाद भी वहाँ रखा जाता है, और प्लांट्स की हर्बेरियम शीट्स भी वहाँ रखी जा सकती है थोड़ी बहुत। इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको किल किया जाता है, फिर उसको पिन किया जाता है और उसको इंसेक्ट बॉक्स कहते हैं। वो छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर पैक होते हैं इंसेक्ट, वो भी वहाँ मिलेंगे। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल। एनिमल और जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके अंदर के ऑर्गन्स को निकाल कर उसके अंदर कुछ प्रिजर्व्ड जो मटीरियल होता है वो भरा जाता है और उनकी बॉडी को फिर हम वहाँ पर रख देते हैं। उससे ऐसा ही लगता है कि वो एनिमल वहाँ पर बैठा है और ज़िंदा है, जबकि उसके ऑर्गन्स पहले से ही निकाल लिए जाते हैं और हम उनको वैसी प्रोसेस से पास करते हैं जिससे उनकी बॉडी डिकम्पोज ना हो, डैमेज ना हो। कलेक्शंस ऑफ एनिमल स्केलेटल, यहाँ पर बोन स्केलेटल भी हो गए, जैसे डायनासोर के स्केलेटल होते हैं कि उस म्यूजियम में, तो म्यूजियम के अंदर जैसे डायनासोर के स्केलेटल होते हैं, ह्यूमन स्केलेटल होते हैं और कोई एनिमल के स्केलेटल होते हैं, वैसे म्यूजियम के अंदर स्केलेटल भी हो सकते हैं। आपके स्कूल की बायोलॉजी लैब के अंदर एक तरीके का आपके स्कूल का जो बायोलॉजी लैब है वो म्यूजियम जैसा ही है, वो छोटा सा वर्जन है बस। वहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए जिसको जार्स के अंदर पैक करके रखा होगा, वहाँ पर स्केलेटल भी हो सकता है। हम बड़े म्यूजियम की बात कर रहे हैं, तो आपके आसपास कौन सा बड़ा म्यूजियम है वो ज़रूर से देखिए। और ये बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात है, अगर आप नॉर्मल म्यूजियम की बात करें तो उसमें पुराने समय के राजाओं के मुगट हैं, उनके ऑर्नामेंट्स हैं, उनके हथियार से ये भी स्टोर होते हैं। कई बार कपड़े हैं जो क्लोथ से पुराने समय की जो कल्चर्स की चीज़ें हैं वो भी वहाँ मिलेगी। बड़ौदा का म्यूजियम बहुत ही फेमस है, आपको वक्त मिले तो ज़रूर से वहाँ पर जाइए और वहाँ पर मज़ेदार चीज़ें रखी हुई है जो आपको देखने में मज़ा आएगा। मुझे स्टफ्ड एनिमल से एक चीज़ याद आई, हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक चैप्टर था, इसका एक्चुअल नाम तो अब मुझे याद नहीं रहा, पर इस चैप्टर की मुझे स्टोरी याद है थोड़ी बहुत। एक बार्बर शॉप होता है जहाँ बाल कटवाने के लिए लोग जाते हैं और हमें पता है कि वहाँ पर काफ़ी वेटिंग रहता है और लोग बैठे रहते हैं अपने फ्री टाइम पर, मोस्टली संडे का वक्त, आप इमेजिन करो बार्बर शॉप पर बहुत ज़्यादा वेटिंग रहता है, लोग बैठे रहते, कुछ लोगों का टर्न होता है वो बाल कटवा रहे होते, बाकी के लोग वहाँ बैठे होते और वहाँ पर साइड में एक बर्ड होता है बैठा हुआ। और ये जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया की तो डेफिनेटली बात नहीं थी, कोई और जगह की बात है, और वहाँ पर शायद स्टफ्ड एनिमल रखे जाते होंगे बार्बर शॉप में, हमारे यहाँ पर तो नहीं रखे जाते। तो इन लोगों को रखा कि ये जो बर्ड वहाँ पर दिख रहा है वो स्टफ्ड है, इसके अंदर का जो ऑर्गन वगैरह है वो निकाल के इन लोगों ने अंदर कॉटन वगैरह और कुछ मटेरियल भर दिए हैं, ये लाइव नहीं है। और वो एकदम से बैठा था और ऐसे स्टेडी बैठा था कि हर एक इंसान को यही लगे कि भाई ये स्टफ्ड एनिमल ही है, और मे बी स्टफ्ड एनिमल भी हो, क्या पता हमें। और क्योंकि वहाँ पर स्टफ्ड एनिमल रखने के एक तरीके का कल्चर है, लोग रखते हैं ब्यूटी के लिए और एस्थेटिक के लिए। और अब लोग देख रहे थे उसको, लोगों के पास कुछ काम नहीं होता तो बातें शुरू कर दी उन्होंने कि भरने वाले ने, जो स्टफ करने वाला इंसान रहा होगा, उसने बराबर से इसको स्टफ नहीं किया, ज़रा इसकी राइट साइड से देखिए, राइट साइड वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा उभर के बाहर आ गया, फूल गया है, थोड़ा ज़्यादा बल्जी लग रहा है, जबकि लेफ्ट वाला जो वो सिकुड़ गया है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया,
डिप्रेशन दिख रहा है मुझे वहाँ पर। वो बोल रहे ना इसकी तो टेल में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा एब्डोमिन के अंदर मास भर दिया है, कॉटन भर दिया है कि इसकी टेल जो है उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से एक एक करके उसके अंदर नुक्स निकाल रहे, उसके अंदर से फॉल्ट निकालते जा रहे कि स्टफ़ करने वाले ने ये गलती कर दी, स्टफ़ करने वाले ने वो गलती कर दी, इसको ये नहीं आया, इसको वो बराबर से नहीं आया, इसको वो करना चाहिए था। यही करते हम लोग क्रिकेट देखते वक्त भी तो यही करते, अगर यहाँ से इसने खेल लिया होता तो छक्का होता चौका होता, इसको खेलना नहीं आता, हमें पता हम जाते तो उतना भी नहीं होता हमसे। पर ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, लोग जनरली नुक्स निकालते और यही उनकी मतलब कहते कि दिमाग की या फिर लोगों की फितरत है। और इन ये सब बातें कर रहे थे और फिर तो पूरा बार्बर शॉप इसी में लग गया था, जो नहीं बातें कर रहे थे उनका भी ध्यान उधर, और अचानक से वो बर्ड उड़ता हुआ बाहर निकल गया और सब शॉक, क्योंकि अब तक तो मान रहे थे ये स्टफ था, पर एक्चुअल में वो स्टफ था ही नहीं, वो तो लाइव था, वो बैठा ऐसा था, दिख रहा था कि वो मरा हुआ है, वो स्टफ किया गया है, और वहाँ से उड़ते हुए निकल गया। फिर सारे लोगों के मुंह बंद हो गए। अब क्या बोलेंगे, क्या कुदरत ने इसमें कम मसाला भरा, ज़्यादा मसाला भरा, कॉटन गलती से डाल दिया? अब इनको समझ आ गया कि गलती हमारी थी, हम अच्छी चीज़ में भी नुक्स निकाल रहे थे। तो स्टफ़ किया जाता है इस तरीके से, और कई लोग एस्थेटिकल पर्पज से भी उनको लेते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा चलन नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज़म्स को आप लॉस और रेगुलेशन के हिसाब से अपने घर पे नहीं रख सकते, वो म्यूज़ियम में ही स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये हमने बात की बायोलॉजिकल म्यूज़ियम के बारे में।